अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। ह्यूज ब्लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट जो भी समझे। नो मोर न्यू इंक्लूड टीम इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान्स। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मंसूबे बना रहा है वो शायद तकमील को ना पहुंचे, जो अब सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। बड़ी टफ शेड्यूलिंग है। पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की टीम को आप पहली मर्तबा, जितना मैं आपको यहां पर याद करवाता जाऊं, पहली मर्तबा आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी टफ शेड्यूलिंग देखने जा रहे हैं। जी हां, इसको कहते हैं कि सांस दब जाना, इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान टीम के लिए क्रिएट होने वाली है। जी हां, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है। यहां पर आपने जनाब गौर करने, और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी वैल्यूएबल वीडियो है और बड़ी मेजर अपडेट्स है इसके अंदर। छोड़कर मत जाना, वरना कुछ भी आपको यहां पर और नहीं मिलने वाला, यानी कि अगर आप मिस करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दुश्वारियां डबल हो चुकी हैं। पीएसएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विंडो निकाली थी सितंबर की, जो कुछ ही घंटों बाद रिजेक्ट हो गई है कि काम नहीं हो पाएगा इसके ऊपर। भाई टफ शेड्यूलिंग है, वर्ल्ड कप के बाद लगातार सीरीज हैं, फिर किस तरह पीएसएल खिलवा दें। ये शेड्यूलिंग रखी जा रही है, सबको पता है कि भाई वर्ल्ड आईसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, तो यानी कि वर्ल्ड कप के बाद मसरूफियात हैं, जो स्पेशली T20 वर्ल्ड कप होने वाला है जून के अंदर, मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। दिसंबर के अंदर भी उससे, यानी कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे की सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज, बांग्लादेश की, यानी कि बहुत टफ शेड्यूलिंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आपको पता है कि इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में भी जाना है, अफ्रीका में भी जाना है, फिर अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज भी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सबको पता है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा फिर करना है। तो यानी कि बहुत ही टफ शेड्यूलिंग है पाकिस्तान टीम की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा दुश्वार, यानी कि इस वक्त दुश्वारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और जो सवाल पैदा हो रहा था ना कि भाई विंडो क्लैश करते हैं आईपीएल के साथ पीएसएल की, तो मजा आएगा, जो आईपीएल के प्लेयर्स वहां से रिजेक्ट होंगे वो पीएसएल खेल लेंगे। लेकिन रैली रूसो भी तो खेलता है पीएसएल, राशिद खान भी तो पीएसएल खेलता है, तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो आईपीएल भी खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं। और अगर कुछ प्लेयर्स ने पीएसएल के अंदर तगड़ी परफॉर्मेंस दिखा दी और उनको आईपीएल वालों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर रख लिया, तो ये और दुश्वारी हो सकती है। तो बड़ी दुश्वारियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ शेड्यूलिंग की वजह से। ये पॉजिटिव है कि इंटरनेशनल हमारा टफ शेड्यूल है, बड़ी टफ शेड्यूलिंग है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी ने मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर पीएसएल की विंडो किस तरह तलाश करें। लेकिन सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि इस मरतबा भी शायद आपको इजाफी टीमें देखने को ना मिले, यानी कि बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। और अगर टीमें ज्यादा आ गई, मैचेस बढ़ जाएंगे, फिर यानी कि डेट्स का इशू, तो यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस मरतबा भी आपको दो नई टीमें देखने को नहीं मिलेंगी। बहरहाल पीसीबी जो सर तोड़ कोशिश कर रहा है कुछ बेहतर हो जाए, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।